देश के लिए ही खेलते हैं एमेच्योर बॉक्सर, नई कार्यकारिणी का गठन। मुजफ्फरनगर जिला एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन की एक आम सभा बालाजी चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित की गई, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हसन रजा जैदी हमीरपुर से इस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हुए। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पर्यवेक्षक हसन रजा जैदी ने बताया कि सर्वसम्मति से विकास कुमार रुड़कीवाल को अध्यक्ष, सतीश बोकरेडी को सचिव तथा राजीव राठी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि देश विदेश में बॉक्सिंग के खेलों में और ओलंपिक में एमेच्योर बॉक्सर ही भाग लेते हैं, उन्हें ही पदक मिलते हैं और सरकारी नौकरियों में भी उन्हें ही तरजीह मिलती है। उन्होंने मांग की कि मुजफ्फरनगर स्टेडियम में एयर कंडीशनर बॉक्सिंग हॉल की स्थापना की जाए। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पिछले 3 वर्षों में 52 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली है, जिनमें से 2 मुजफ्फरनगर में भी हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में बॉक्सिंग स्टेडियम हॉल पहले से कार्यरत हैं, लेकिन सरकार अभी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में कोचिंग कैंप बराबर चल रहे हैं। इस अवसर पर चेयरमैन सिलेक्शन डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर मेरठ मंडल अजय सागर यादव, भूपेंद्र सिंह यादव, वरुण कुमार आदि उपस्थित थे। कोषाध्यक्ष एज ए पर्यवेक्षक के रूप में आज मुजफ्फरनगर जिला कार्यकारिणी की नई कार्यकारिणी के गठन हेतु पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ। मेरे साथ अजय सागर यादव जी, मेरे साथ भूपेंद्र सिंह यादव जी एज ए पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर पधारे हैं, जिसमें आज नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मत से मिस्टर विकास रुड़कीवाल जी को अध्यक्ष, सतीश सहरावत जी को महासचिव और श्री राजीव राठी जी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। संरक्षक के रूप में मिस्टर वरुण कुमार जी को यहाँ पर चुना गया।